दोस्तों, पिछले दिनों आपने दीपिका कक्कड़ का एक वीडियो जरूर देखा होगा, जब एक इवेंट के दौरान दीपिका कक्कड़ अचानक से गिरने लगी और एक फैन ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उनका शुक्रिया अदा करने की जगह दीपिका कक्कड़ उस फैन को ही आंखें दिखाने लगी। दीपिका कक्कड़ का ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें गंदे तरीके से ट्रोल भी किया गया। अब उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसके साथ ही ट्रोल करने वालों को करारा जवाब भी दिया है। चलिए आपको बताते हैं शोएब इब्राहिम ने क्या कहा दीपिका को ट्रोल करने वालों पर। दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम काफी टाइम से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, पहले अपनी ननंद सबा की शादी को लेकर और उसके बाद वायरल वीडियो के चलते, जिसमें दीपिका को गिरने से संभालने वाले फैन पर एक्ट्रेस भड़कते हुए नजर आई थी। इसे लेकर दीपिका को काफी ट्रोल भी किया गया था। लेकिन अब इस ट्रोलिंग को देखते हुए दीपिका और शोएब दोनों ने वीडियो शेयर कर ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक्टर शोएब इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शोएब, दीपिका दोनों ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए ट्रोल्स की क्लास लगाई है और उन्हें करारा जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने तो वही देखा जो उन्हें दिखाया गया, लेकिन असल में वो सही बात और पूरी घटना के बारे में नहीं जानते। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि लोग भले ही कुछ भी कहें, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने ये भी माना कि हेटर्स तो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, प्यार दे रहे हैं वो लोग जो प्यार करते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दरअसल कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, दीपिका कक्कड़ एक अवार्ड फंक्शन के दौरान बाहर निकलती नजर आ रही थी, तभी दीपिका अचानक से गिरने लग जाती है, उनका पैर मुड़ जाता है और इसी के साथ ही उनके साथ में जो फैन चल रहा था उन्हें गिरने से बचाने की कोशिश करता है। इसे लेकर दीपिका कक्कड़ उन्हें आंखें दिखाती नजर आती है, उन पर गुस्सा करती नजर आती है और उन्हें ना छूने के लिए कहती है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा था कि दीपिका के अंदर घमंड आ गया है, बेवजह का एटीट्यूड दिखाते हुए दीपिका ने आखिर उस शख्स को डांटा क्यों, उसको थैंक यू क्यों नहीं कहा। इतना ही नहीं, देखते ही देखते दीपिका के इस वीडियो पर पूरे सोशल मीडिया पर बातें होने लगी। अब शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ दोनों ने अपने व्लॉग में इस वीडियो को शेयर किया और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया कि हम जो चाहते हैं वही करते हैं, जबकि जो वीडियो में दिखाया गया वो पूरा सच नहीं था। दीपिका ने शोएब के लेटेस्ट व्लॉग में एंट्री मारकर कहा कि बीच में आप लोगों ने इतने जजमेंट्स क्रिएट कर लिए कि थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। हालांकि दीपिका ने ये भी कहा कि शादी से वो इतना ज्यादा थक गई थी कि आला जोन में चली गई थी। इस वीडियो में शोएब ने दीपिका को ट्रोल करने वालों को अपने तरीके से करारा जवाब दिया। शोएब ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि मैं सच बोलूं तो इस वजह से हम लोगों में से कोई भी स्टोरी पोस्ट नहीं करता कि भाई आप लोगों को जजमेंटल होना है, आप हो लो, क्योंकि हमारा रिलेशन, हमारा प्यार एक स्टोरी या पोस्ट का मोहताज नहीं। लाइफ में कभी रहा नहीं, ना ही कभी ऐसी नौबत आई। वो उनके लिए है जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। हमारा मन करता है हम रोज डालते हैं, हमारा मन नहीं करता हम महीनों महीनों नहीं करते। ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। बस वही कि भाई जो सोचना है सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें आप जो कुछ भी बोल लो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम मजे लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दीपिका को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर, उसके बाद शोएब इब्राहिम के जो सुर हैं वो थोड़े से बदले बदले नजर आ रहे हैं। ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगाई है शोएब इब्राहिम ने और इसके साथ ही इस बात को क्लियर कर दिया कि लोग उनके वीडियोस पर या उनके पोस्ट पर क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शोएब इब्राहिम ने जिस तरीके से जवाब दिया है उस पर क्या है आपकी राय, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।